हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो बर्ड्स एंड प्लांट्स चैनल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर जो है मेरा जितना भी बर्ड रिलेटेड और प्लांट रिलेटेड जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरा मास ग्रुप का कॉलोनी, और बाद में मैं आप लोगों को जो है मेरा ऑफलाइन ग्रुप का कॉलोनी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा जो मुद्दा शेयर करना था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन मेनली रहता है कि, या बहुत सारे लोग ऐसे जो सोचते हैं कि गर्मी के टाइम पे मेनली जब अप्रैल महीना से जून जुलाई अगस्त तक, मेनली अप्रैल में जून जुलाई ये चारों महीने जो है बर्ड्स के लिए बहुत एक हार्मफुल टाइम होता है, क्योंकि इतना गर्मी से बर्ड्स का बहुत डेथ होता है और हीट स्ट्रोक होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे बर्ड्स मरते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपके बर्ड्स को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे ठीक रखा जाए जैसे बर्ड्स का कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज दो पॉइंट्स बताऊंगा मेनली। तो फर्स्ट पॉइंट्स मैं जो आपको बोलूंगा, तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इस टाइम पे आप लोग ज़रूर जो है आपके बर्ड्स को ज़्यादा सीड्स मत दीजिए, और ख़ास करके लाभ बर्ड्स का जो सबसे पसंदीदा सीड्स है वो है सनफ्लावर। तो इस टाइम पे सनफ्लावर सीड्स का जो क्वांटिटी बहुत ही कम कर दीजिए सीड मिक्स में, और पूरा का पूरा जो आप सीड का क्वांटिटी देते हो तो वो भी जो है इस टाइम पे कम कर दीजिए, क्योंकि सीड्स ऐसे एक चीज़ है बर्ड्स को, मेनली लव बर्ड्स को सीड्स बहुत पसंद होता है सीड मिक्स। तो सीड मिक्स अगर आप देंगे तो पूरा खा लेंगे, लेकिन ये सीड मिक्स में जब आप सनफ्लावर या जो है कुसुम जो है वो आप मिलाते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इससे ऐसे ही जो है अप्रैल में जून जुलाई का महीने, चारों महीने का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जब हीट और भी ज़्यादा पैदा होगा तो बर्ड्स का बहुत नुकसान होने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए गर्मी के टाइम पर खाना जो है आप थोड़ा सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, शाक पत्ते दीजिए जो है उसके साथ कॉर्न, और उसके साथ अगर आप स्प्राउट्स कर सकते हो स्प्राउट्स दीजिए, आप कैरोट्स दीजिए, शाक सब्जी और जो है कॉर्न, या उसके साथ आप जो है व्हीट दे सकते हो, तो ये सब आप ज़रूर ज़्यादा दीजिए, लेकिन स्प्राउटेड सीड आप हर रोज़ दीजिए, लेकिन सीड मिक्स का जो है क्वांटिटी वो कम कर दीजिए। इससे ये चारों महीने आपके बर्ड्स तंदुरुस्त रहेंगे, और उसके बाद जब विंटर का सीज़न आएगा या बरसात का मौसम आएगा तब आप सीड मिक्स का जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है, गर्मी के टाइम पर मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि आप जहाँ पर आपके बर्ड्स को रख रहे हो तो वह थोड़ा हवा का आना जाना होना चाहिए, मतलब ऐसे जगह पे आपके बर्ड्स को बिल्कुल मत रखो जहाँ पे हवा का आना जाना बिल्कुल कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंडोर में बर्ड्स रहते हैं। तो अगर आपके बर्ड्स इंडोर पे रहते हैं तो थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि विंडो के पास आपके बर्ड्स को केज, बर्ड्स का जो केज है उसको रखने के लिए, उससे जो है बर्ड्स को जो है फ्रेश एयर मिलेगा, और फ्रेश एयर मिलने से बर्ड्स तंदुरुस्त रहेंगे, और मेनली जो है हीट स्ट्रोक होने का जो चांसेस रहता है तो कम हो जाएगा, क्योंकि इंडोर में जो है टेम्परेचर स्टैग्नेंट हो जाता है क्योंकि हवा ठीक तरह से नहीं आ जा पाता है। तो इसके लिए बर्ड्स का हीट स्ट्रोक होता है। अगर हवा का मूवमेंट अच्छा होगा तो हीट स्ट्रोक होने का चांसेस कम हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए मेनली गर्मी के ये चारों मंथ ब्रीडिंग तो बिल्कुल भी मत कराइएगा, ब्रीडिंग पूरा स्टॉप कर दीजिएगा, और उसके साथ जो है सॉफ्ट फूड, मतलब मैंने जो बोला फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ज़्यादा दीजिए, और उसके साथ जो है ऐसे जगह पे बर्ड्स को रखिए जहाँ पे हवा का आना जाना ठीक रहे, कॉलोनी अगर है या कुछ भी है सारे विंडो अगल बगल के खोल दीजिए, क्योंकि बर्ड्स को इस टाइम पे फ्रेश एयर का ज़रूरत रहता है, जितना फ्रेश एयर मिलेगा गर्मी के टाइम पे बर्ड्स उतना ही तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट ज़रूर अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर जो है आपके बर्ड्स ये चारों महीना मेनली जो है गर्मी के टाइम पे तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो ज़रूर हर रोज़ दे आता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं।